इस तरह के सेमिनार देश के कोने कोने में होने चाहिए, इससे लोगों में जागरूकता आती है। हाँ अभिजीत, मुझे लगता है कि अपराधों में काफी कमी आ जाएगी। उन लोगों को पता चलेगा कि क्रिमिनल के साथ कैसे पेश आना है, कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा ही। मैं लोगों से अपील करूंगा कि एकजुट हो जाए और अपराधियों से सतर्क रहे। सर, आप लोगों की सेमिनार वाली ड्रेस स्त्री मार के रखती है। सुनो जी, थैंक यू। देखिए, आप मुझे नहीं रोक सकते। क्यों नहीं रोक सकते? आप क्या यहाँ के मालिक है? अरे मालिक नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं यहाँ सारे कमरे चेक करना चाहता हूँ। मैं आपको कमरे चेक नहीं करने दूंगा। यार, ये कमरा क्यों चेक करना चाहता है? मैं चिल्लाऊंगा, जोर जोर से चिल्लाऊंगा, सारे लोगों को यहाँ इकट्ठे करूंगा। आप इस तरह नहीं मानेंगे, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। अरे पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, मामला क्या ये बताइए। सर, ये आदमी जबरदस्ती कमरे चेक करने के लिए बोल रहा है। क्यों कमरा चेक करना चाहते हैं आप, क्या बात है? देखिए सर, मेरी बेटी भाग के यहाँ इसी होटल में आई है, मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ और ये आदमी मुझे ढूंढने नहीं दे रहा है। आपको पक्का यकीन है आपकी बेटी यहाँ पे? हाँ सर। मेरे साथ ढूंढने दीजिए ना। सर मगर मेरे गेस्ट इस तरह। कोई गेस्ट कुछ नहीं बोलेगा, बेटी का मामला है, आप ढूंढिए, हम लोग हैं। थैंक यू सर। भाई यहाँ पर मेरी बच्ची आई है। यहाँ पे कोई भी नहीं है। कोई नहीं है? नहीं। मैडम, मेरी बच्ची यहाँ पर आई है क्या? नहीं नहीं। यहाँ पर मेरी बच्ची आई है? नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं है। यहाँ पर मेरी बच्ची आई है? नहीं। देखिए, अब ये हमारा ही रूम बचा है, यहाँ भी चेक कर लीजिए आप। जी। इस कमरे में तो कोई भी नहीं है। यार, फिर मेरी बेटी गई कहाँ? हो सकता है कहीं और चली गई हो। हो सकता है, अगर आपको कोई खबर मिले तो मुझे बता देना प्लीज। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हमें कुछ भी पता चलता है हम आपको फौरन बता देंगे। जी सर, इनकी बेटी यहाँ पर नहीं है, खामा का हर कमरे में चेक करके हमारे गेस्ट डिस्टर्ब हो रहे हैं। अरे तो फिर मेरी बेटी गई कहाँ? अब जी, बच्ची अंदर है। बच्ची अंदर है? तो फिर बताया क्यों नहीं? काफी घबराई हुई है। क्या हुआ बेटा, है? तुम अपने डैडी से क्यों छुप रही हो? नहीं, वो मेरे डैडी नहीं है। डैडी नहीं है तो फिर कौन है वो? देखो, घबराओ मत, है? कौन है वो बताओ। अच्छा, बाहर मैं बाहर नहीं आऊंगी। देखो बेटा, हम लोग CID से हैं, घबराओ मत, जो कुछ बताना हमें बताओ, बाहर आओ। CID? क्या बात है बेटा, क्यों ऐसे छुपी हुई हो तुम यहाँ पे? वो एक्चुअली उधर, मैं उधर, मैं एक मिनट, यहां से कोई बच्ची गई देखा आपने? अरे इतनी जल्दी कहां चली गई, कैसे चली गई? मैं तो आपको पहले ही मना कर रहा था, यहां होती तो किसी ने देखा होता। अगर आपको विश्वास नहीं तो एक बार चलिए फिर से देख लेते हैं। मुझे पुलिस को कुछ भी नहीं बताना, आप लोग मुझे छोड़ दीजिए। बात क्या, आप हमें बताओ ना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मुझे पुलिस की कोई मदद नहीं चाहिए। पुलिस को ना बताने की कोई खास वजह? कोई खास वजह नहीं है। तो फिर क्या बात है, पुलिस को क्यों नहीं बताना चाहते? यार,
ये गलत बात है, झूठ बोल के डरा दिया बच्ची को। कैसा झूठ? एक्चुअली हम लोग सीआईडी वाले थोड़ी ना है। तो फिर तुम लोग कौन हो? हम लोग तो जर्नलिस्ट है, वो जो न्यूज़पेपर में अखबार में जो खबरें आती है वो हम लोग बनाते हैं। तो पहले पुलिस क्यों बताया? मजाक किया तुम्हारे साथ। तो अब बताओ क्या बात क्या है, है? क्यों 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 छिप रही थी तुम? मैंने एक लाश देखी है। लाश? किसकी लाश? कहाँ पे देखी लाश? देखो अगर तुम बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? अच्छा कब देखी लाश ये तो बताओगी ना? थोड़ी देर पहले जब मैं भाग रही थी तब अचानक से। तो ये कहाँ कौन सी जगह है, कहाँ कहाँ पे देखी लाश? अब लाश के बारे में जानने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो? वो जर्नलिस्ट है ना, तो हमको लगा कि कोई स्टोरी मिल जाएगी हमको, एक अच्छी स्टोरी। ठीक है मैं आपको बताऊंगी, पर क्या? आपको मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। काम? कैसा काम? पहले बताओ करोगे ना? हाँ करेंगे करेंगे बिल्कुल करेंगे। क्या काम क्या है? आपको मेरे लिए किसी को किडनैप करना पड़ेगा। क्या? कुछ बताया लड़की ने कि वो कौन है कहाँ रहती है? नहीं सर कुछ भी नहीं बताया, काफी डरी हुई है। क्यों डरी हुई है? पता लगाने की कोशिश की तुम लोगों? बहुत कोशिश कर ली सर, मगर कुछ बताने को तैयार नहीं है। सिर्फ एक ही रट लगा रखी है कि करण को किडनैप करो, करण को किडनैप करो। बड़ी अजीब बात है, एक बच्ची इस तरह की बातें कर रही है किडनैप करो किडनैप करो, फिर ये करण है कौन? पता नहीं सर, ये भी नहीं बताया उसने। अच्छा लाश के बारे में कुछ बताया उसने? यही कह रही है कि करण को किडनैप करो फिर बताऊंगी। कमाल है। और एक बात है सर, जब हमने पुलिस का नाम लिया तो ये बच्ची और भी डर जाती है। अरे कमाल है। इसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग सीआईडी से, काफी जिद्दी है, मुंह पे ताला लगा के बैठ जाएगी। हमने उसे यही बताया कि हम लोग जर्नलिस्ट हैं और आप हमारे साथी हैं। कौन है वो आदमी जो इस बच्ची का पीछा कर रहा है? सर होटल वालों का कहना है कि उसे कोई भी नहीं जानता था। होटल के आसपास के लोगों से पूछताछ की तुमने? हाँ सर, पर आसपास भी कोई नहीं जानता है सर, किसी को कुछ नहीं मालूम। तो फिर ये लड़की आई कहाँ से, होटल में कैसे पहुंची? छोड़ दो मुझे। क्या हुआ है? क्या बात है पूर्वी? सर ये कपड़े बदलने से मना कर रही है। अरे क्या हुआ बेटा, कपड़े क्यों नहीं बदल रही हो तुम? देखो तुम्हारे कपड़े कितने मैले हो गए, चलो कपड़े बदल लो। नहीं मुझे कपड़े नहीं बदलने, आप पहले बताओ कि आप करण को किडनैप करोगे कि नहीं? हाँ हम लोग तैयार हैं, किडनैप करेंगे, मगर करण के माँ बाप को कितना बुरा लगेगा, है ना? जब तक आप करण को किडनैप नहीं करोगे तब तक मैं आपको लाश के बारे में नहीं बताऊंगी। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमें लाश के बारे में झूठ बोल रही हो? नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने सच में लाश देखी है। तो फिर बेटा आप बताओ ना फिर लाश कहाँ पे है? बहुत देर हो जाएगी, आप पहले करण को किडनैप करो। अभिषेक इस बच्ची के साथ जा और देखो ये करण है कौन और ये क्यों उसे किडनैप करवाना चाहती है, और जैसे ये लाश के बारे में बताए फौरन इन्फॉर्म कर देना। बस बस यहीं पे रोक दो, जो सामने वाला घर है ना उसमें रहता है वो लड़का करण।
करण अभी होगा अंदर? हाँ। ठीक है, हम लोग उसे किडनैप करने जा रहे हैं। अब तुम लाश के बारे में बताओ। पहले करण को किडनैप करो, तभी बताऊंगी। नहीं नहीं बेटा, ये तो गलत बात है। तुम हमसे कुछ काम करवाना चाहती, हम तैयार हो गए। हम उस जगह पे भी आ गए। अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि वो लाश कहाँ है। इस हाथ ले, उस हाथ दे, हिसाब बराबर। यहाँ से दो लेन छोड़ के तीसरी वाली लेन में। सर वो तो चिकुवाड़ी एरिया पड़ता है ना? हाँ हाँ, वही एरिया में। वहाँ पे एक बंद जगह है, वहीं पे मैंने वो लाश देखी थी। लाश किसकी है? वो तो मुझे नहीं मालूम। मैं जब डैडी से डर के भाग रही थी, तब मैंने वो लाश की झलक देखी थी। पक्का लाश ही देखी थी ना, या कुछ और देखा था? नहीं नहीं, पक्का लाश ही थी। ठीक है पूर्वी, तुम इसका ध्यान रखो। अब तक हम लोग अंदर जाके देखते। सचिन, चीकुवाड़ी एरिया में एक बंद जगह है, लाश वहां पे है, जाके देखो। ओके पता नहीं किसका घर है और रहता कौन है यहाँ पे, और ये करण कौन है? देखते हैं दया, पहले अंदर चलते हैं, संभाल लिया जाएगा। दरवाजा तो अंदर से बंद है, कोई खोल भी नहीं रहा, मामला गड़बड़ है। कुछ तो बात है अभिजीत, वरना वो बच्ची हमें यहाँ पे नहीं लेके आती। देखें अंदर चल के। सर चीकुवाड़ी में यही एक जगह है यहाँ पे, जो काफी समय से बंद है। तो बच्ची ने क्या यही कहा था, इसी घर में लाश है? हाँ सर। ये लो, यहाँ तो ताला लगा हुआ है, उसे पता कैसे चला कि अंदर लाश है? हाँ वही तो। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़की हमसे झूठ बोल रही थी? सचिन वो बात भी देखते, पहले देखो घर के अंदर लाश है क्या, ताला तोड़ दो जल्दी।
खुला खुला सामान बिखरा पड़ा, लगता चोरी हुई यहाँ पे। तो ऐसे ही रहे। करण कहाँ है जिसके बारे में वो लड़की बता रही थी? हाँ सर। सो ये देखिए, लगता है वो लड़की इसी जगह से गिरी है। हाँ, डेंजरस है। लगता है ये चेन, ये उस लड़की के कपड़े का ही टुकड़ा है। यहां से गिरते वक्त अटक गया होगा इस किले में। कारेन, कारेन! लड़की क्या? ये यहां कैसे आ गई? तुम यहां कैसे आ गई? कारेन! और भी तुमको बोला था इसकी देखभाल करो, ये कैसे आ गई अंदर? सॉरी सर, सर गाड़ी के पीछे से कुछ आवाज आ रही थी और जब मैं उतर के देखने गई तो वो गाड़ी से निकलकर भाग गई और चिल्ला रही थी कि कहाँ है करण, कहाँ है करण, इतनी देर कहाँ लगा दी? कहाँ रहेंगे करण? करण नहीं है बेटा यहाँ पे। तो फिर वो किधर गया? देखो यहाँ पे कोई भी नहीं था, समझे? तुम्हें पक्का मालूम है करण यहाँ पे था? कोई और था उसके साथ में? बोलो बेटा, कोई था उसके साथ में? कोई था यहाँ पे? हाँ, उसके साथ कोई था। कौन? कौन था यहाँ पे? मैंने बहुत देर कर दी, मैंने बहुत देर कर दी, वो उसे मार डालेगा। मार डालेगा? कौन? कौन उसे मार डालेगा? वो उसे मार डालेगा, वो उसे मार। सर यहाँ आसपास तो लाश कहीं भी नहीं है। हाँ, लाश तो कहीं पर दिख नहीं है, लेकिन सचिन वो लड़की गिरी है यहीं पर, इसी जगह पे गिरी है। इसका मतलब है लाश भी यहीं पर होनी चाहिए थी, यहीं पर होनी चाहिए थी लाश। ये क्या है? इतनी बदबू, रेडी? जरा स्प्रे मार के देखो, ये काले निशान है किसके? ये देखो, इसका मतलब है कि लाश यहीं पर रखी गई थी। हाँ सर, लाश बाहर से हलाई गई पर हमारे आने से पहले हटाई गई। मगर सर बाहर तो ताला लगा हुआ था, तो फिर खूनी लाश कहां से लेकर गया होगा? वही तो, हो सकता है लाश अभी भी इस घर में हो। अच्छी तरह से ढूंढो, शायद लाश यहीं कहीं छुपा के रखी गई होगी। मगर सर हम लोग यहां आने वाले हैं, ये बात उस लड़की के अलावा और किसको पता थी? सचिन, मुझे तो लगता है कि लड़की खूनी को जानती थी और इसीलिए खूनी ने लाश हटाई यहां से। एक काम करो, वो काले दाग और सारी मट्टी आसपास की सब उठा और फोरेंसिक लैब भेज दो। घसीटने के निशान? सर। हाँ फ्रेडी,
हाँ ये देखिए सर, घसीटने के निशान, ये देखिए। इसका मतलब है लाश को यहां से बाहर ले जाया गया। सचिन फ्रेडी काम करो, आसपास लोगों से पूछताछ करो, क्या उन्होंने किसी को यहां पर आते जाते देखा है, क्या कोई गाड़ी आते जाते देखी है क्या? हाँ अच्छी तरह से पूछताछ करो। काजल सामने जंगल है, जाओ जाकर देखो लाश मिलती है क्या। डॉक्टर अच्छी कैसी है? आप दोनों क्या लगते हैं इस लड़की के? कुछ नहीं। कौन है ये लड़की? देखिए अभी हमें ये भी नहीं मालूम है, लेकिन हुआ क्या इसे? बच्ची बुरी तरह से डरी हुई है, सदमे में है। सदमे में है? हाँ। आप दोनों ने मारा पीटा इसको? नहीं नहीं डॉक्टर आपको कोई गलत फहमी हुई है, हम बच्चे को जानते नहीं, हम क्यों मारेंगे इसे? तो फिर इसके शरीर पे घाव कहाँ से आए? शरीर पे घाव? शरीर पे घाव कहाँ से आए? बातें तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कुछ मालूम ही नहीं। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। नहीं आप पुलिस को मत बुलाइए, हम खुद ही चले जाएंगे पुलिस स्टेशन। हाँ। आज तक देखा है किसी गुनहगार को पुलिस स्टेशन खुद जाते हुए? सॉरी सर, लड़की की हालत और जख्म उससे देखे नहीं गए, इसलिए ना जाने आप लोगों को क्या क्या कह दिया। कोई बात नहीं, मगर ये घाव कैसे हुआ? किसी तेज हथियार वगैरह से किया गया है क्या? हथियार के नहीं है, किसी ने इसे बहुत बुरी तरह से मारा पीटा है, आप लोग खुद ही चल के देख लीजिए। ये देखिए ये घाव, ये देखिए ये सब मारपीट के घाव हैं। ये जो रेड घाव हैं ये बिल्कुल फ्रेश हैं, हाल ही के हैं। और ये ब्लैक घाव ये काफी पुराना है। मतलब इस बच्चे को काफी समय से मारा पीटा जा रहा था। जी हाँ, शायद इसीलिए इसके दिमाग में डर बैठ गया है और इसकी मानसिक हालत बहुत नाजुक है। ये बच्ची अपने पिता से डर के भाग रही थी, हो सकता वही मारता पीटता। सर क्या पता चला? सर ये लड़की हमें जिसके घर ले गई थी वो घर मिस्टर सूरज का है। सूरज, और कुछ पता किया? हाँ सर, पड़ोसियों का कहना है कि 3 महीने पहले मिस्टर सूरज की बीवी 2 बच्चों को छोड़कर किसी और आदमी के साथ भाग गई थी। बच्चों के बारे में पता किया, कौन है कहाँ है? सर एक लड़का और एक लड़की है, लड़की का नाम है श्वेता और लड़के का नाम है करण, मगर इस वक्त कहाँ है वो किसी को भी पता नहीं। अभिजीत के ऐसा तो नहीं कि ये बच्ची श्वेता हो और जिस लड़के को ये हमसे किडनैप करने के लिए कह रही है वो इसका भाई हो करण? हो सकता है, ये इनका फादर इनको मारता पीटता था तो फादर के डर से ये शायद भाग गई और करण अभी भी फादर के चुंगल में होगा, तो हमसे किडनैप करवाना चाहती थी करण को। मगर ये करण गया कहाँ? वहां घर में तो हमें कोई भी नहीं मिला था। ये उसका फादर लेके भाग गया होगा कहीं, कैसे भी करके जल्दी से जल्दी करण को बचाना होगा, नहीं तो वो करण का भी वही हाल कर देगा जैसे इस लड़की का किया है। भाई साहब ये दुकान आपकी है? हाँ साहब दुकान तो मेरी है। क्या बात है साहब, मैं सुबह से आपको देख रहा हूँ, उस बंगले के चारों तरफ घूम रहे हैं, क्या बात है, कोई खरीदने का इरादा है क्या? तो तुम यही देखते रहते हो हाँ कि यहाँ पे कौन आता है कौन जाता है यहाँ से? वो क्या है साहब, एक तो दुकान मेरी ऐसी जगह पे और फिर इस गली में वैसे ही कभी कभार कोई आता है इसलिए दिख जाता है। फिर तो तुमने लाश फेंकने वाले को भी देखा होगा। लाश? कहाँ लाश साहब? इसी बंगले में पड़ी हुई थी लेकिन अभी हटा दिए फेंकने वाले ने। आप लोग कौन है? CID। CID? नहीं साहब मैंने किसी को लाश फेंकते हुए नहीं देखा। अभी तो तुम कह रहे थे कि यहाँ से तुम्हें सब कुछ दिखाई देता है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो फिर लाश फेंकने वाले को कैसे नहीं देखा तुम? साहब अगर मैं किसी को लाश फेंकते या ले जाते हुए देखता तो पुलिस को जरूर बताता। तुमने आसपास किसी को घूमते फिरते देखा है? हाँ साहब, आज सुबह एक गाड़ी गई थी उस तरफ। कितने बजे? ये करीब 9 बजे। मैंने सोचा गलती से चला गया होगा बेचारा, अभी लौट आएगा। तो लौट के आया वो? हाँ साहब लौट के तो आया, मगर आधे घंटे में। आधे घंटे में?
ये आधे घंटे कर क्या रहा होगा वहां पे? अच्छा ये गाड़ी थी कैसी? जीप थी साहब। ये जीप का नंबर नोट किया तुमने? नहीं साहब, नंबर तो मैंने नहीं देखा, मगर नीले रंग की पुलिस की जीप थी वो। नीले रंग की पुलिस की जीप। सर भगत जी, आसपास का सारा जंगल छान मारा, लाश कहीं भी नहीं मिली। अगर लाश जंगल में नहीं है तो इसका मतलब उस जीप में रख के कहीं छुपाई गई है लाश। एक काम करो कच, इस एरिया के पुलिस स्टेशन से पता करो कि कौन सी जीप सुबह यहाँ पे आई थी और उसे कौन लेकर आया था। देखो बेटा, परेशान होने से फायदा नहीं है, हैं? अभी तुम खाना खा लो, सब ठीक हो जाएगा, ओके? अब हमेशा हाँ बोलते हो, फिर अपने वादे से पीछे हट जाते हो। पीछे कहाँ हटे, हैं? हम लोग गए थे ना करण को किडनैप करने, अब करण वहां नहीं था तो क्या करते? देखो मैं वादा करता हूँ, हम लोग करण को कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। प्रॉमिस। अभी तुम खाना खाओ, ओके? ओ रोटी तो लाया नहीं, एक मिनट अभी लाया। ये रही रोटियां, हैं? कहाँ गई? यस सर। हाँ सर, अभी तो काफी ठीक है जी, आप खाना खिला रहा था उसे, ओके? ओके सर, मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। यस सर, यस सर। श्वेता, 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 एसीपी साहब का नाम देख के समझ तो नहीं गए कि हम लोग सीआईडी वाले हैं। सड़क पे? अरे वो लड़की भाग गई यार। भाग गई? क्यों? उसे पता चल गया कि हम लोग सीआईडी वाले हैं। मगर वो भाग कैसे गई? तुम घर पे थे ना? अरे यार पूरी कहानी बाद में बताता हूँ, उसको ढूंढना बहुत जरूरी है, उसकी जान खतरे में है। मैं यहाँ से आ रहा हूँ, यहाँ से तो नहीं दी। तो इधर ही होगी। अभिजीत, गाड़ी मिल गई, सीधे आ जाओ। ये कहाँ गए?
गाड़ी के अंदर तो कोई भी नहीं है। कोई नहीं है, यहीं कहीं होगी। पहचान चाहिए। समझ में आया दर्द क्या होता है? शर्म नहीं आई अपनी बेटी को पीटते हुए? गलती हो गई साहब, गलती हो गई। नशे में मैंने मैंने बच्चों पर हाथ उठाया। शराब के नशे पे तू बच्चों को पीटता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या करूं साहब, बीवी ने छोड़ दिया तो मैंने शराब पीना शुरू कर दिया है। जब तुझे मालूम है शराब पीने की वजह से ये सब हो रहा है तो शराब पीना छोड़ क्यों नहीं देता तू? अरे कैसे छोड़ दूं साहब, अब तो शराब की आदत लग गई है, ये तो अब मरने के बाद ही छूटेगी। अपनी नहीं तो अपने बच्चों के बारे में तो सोच। क्या सोचूं साहब, मेरे बच्चे मेरी जान है, मेरा जो कुछ है ना सब उन्हीं का ही है। वो तो दिख ही रहा है, पता चलता है तुम्हारी हरकतों से। तुम श्वेता को मेरे घर से क्यों लेके आए? क्यों लेके आए सर? मुझे नहीं पता था आप लोग सीआईडी से। सच 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 कह रहा हूं, मुझे लगा मेरी बेटी गलत आदमियों के चंगुल में फंस गई है, तो मैं तो उसे बचाने आया था सर। झूठ बोल रहा है सर, ये सही श्वेता को मारने के लिए ले गया था। नहीं नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, सच कह रहा हूं मैं। तुम्हारा बेटा करण का? करण का है? करण वो होटल ला ऑर्बिट होटल में है। वो ला ऑर्बिट होटल वहां पे क्या कर रहा है? उसे छुपाना चाहता था सर, मैं उसे सलामत रखना चाहता था। वो कमरा नंबर 210 में है सर। अच्छा, अभी पता चल जाएगा सच बोल रहा है कि झूठ। हेलो सचिन, इंस्पेक्टर राजेश, क्या करने गए थे आप वहां पे? सर मुझे पता चला वहां पर कुछ हुआ है इसलिए गया था मैं। तो ये बात आपने किसी और ऑफिसर को बताई? जी नहीं, किसी को भी नहीं। इंस्पेक्टर राजेश, आपके ऊपर एक्सटॉर्शन का केस चल रहा है, सस्पेंड किया गया आपको। एक सस्पेंडेड ऑफिसर वहां पे क्या कर रहा था? सर सस्पेंडेड हूं, लेकिन जो इल्जाम मेरे ऊपर लगाए गए हैं उसकी अभी भी जांच चल रही है। मुझे खबर मिली थी कि उस एरिया में जो जंगल है वहां कुछ गड़बड़ हुई है, इसलिए गया था मैं वहां पे। तो क्या पता चला आपको, क्या देखा आपने? सर खबर गलत थी, वहां पर कोई नहीं था। वहां एक हवेली है, वहां गए थे आप? जी नहीं, मैं वहां नहीं गया था। घर के आसपास किसी को देखा हो आप? नहीं सर, किसी को भी नहीं देखा। ठीक है, अभी आप जा सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो आपको दोबारा बुलाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। सर फिर वो लाश हवेली से गई का कौन ले गया उसे? सीआईडी के वहां पहुंचने से पहले किसी ने वो लाश गायब कर दी और जंगल में जाके छुपा दी। क्या भाभी,
राजेश की जीप से कुछ सुराग मिला? नहीं सर, जीप में कुछ भी नहीं मिला, ना तो खून के दाग है और ना ही लाश ले जाने के निशान। फिर भी इस पे शक है मुझे। एक काम करो, नजर रखो इस पे, देखो क्या क्या करता है, कहां कहां जाता है। सर हाँ सर, सर मैंने उस होटल में जाके पता किया, करण वहां पे नहीं है। करण वहां नहीं? लेकिन सूरज तो कह रहा था कि करण को होटल में रखा है उसने। हाँ सर रखा था, लेकिन उसे कोई लेके चला गया वहां से। कौन लेके गया? सर होटल वालों ने ये नहीं बताया, उन्होंने कहा कि किसने किडनैप कर लिया उसे। किडनैप कर लिया सर? तो कहीं करण का गायब होना और लाश का आपस में कोई संबंध तो नहीं? हो सकता है कोनी को लगा हो कि श्वेता ने लाश को देख लिया है, वो सीआईडी को बता देगी, कभी ना कभी वो पकड़ा ही जाएगा, इसलिए उसने लाश गायब कर दी और आप करण को भी किडनैप कर लिया है ताकि श्वेता अपना मुंह बंद रखे। सर इसका मतलब ये खूनी अच्छी तरह से जानता है कि श्वेता और करण भाई बहन है। अच्छी तरीके से जानता है वो, इसका मतलब खूनी कोई पहचान वाला है। अंकल करण को ढूंढो ना, वो किधर होगा, वो कैसी हाल में होगा करण? हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, है ना? घबराओ मत, करण को कुछ भी नहीं होगा, हम उसे ढूंढ लेंगे, हैं? तुम ये बताओ कि इस शहर में तुम्हारा कोई रिश्तेदार है क्या? नहीं। तुम्हारे मम्मी डैडी का कोई दोस्त? पर इन सब का करण से क्या लेना देना? लेना देना है बेटा, करण को उस होटल से किसी ने किडनैप कर लिया। होटल में से उसको कौन किडनैप करेगा? डैडी ने ही उसे छुपा के रखा है, ये सब उन लोग का नाटक है, अब डैडी से पूछिए ना। बेटा ये काम तुम्हारे डैडी ने नहीं किया है, जिस समय करण करण का किडनैप हुआ उस समय तुम्हारे डैडी हमारे साथ में ही थे। तो और कौन कह सकता है ये? वो जो कोई भी है तुम्हारे परिवार को बहुत अच्छी तरह से जानता है, सब कुछ जानता है वो, तुम और करण भाई बहन हो ये भी उसे मालूम है। किसी पे शक है तुम्हें? उसी ने किया है ये सब। किसने? वो डैडी को जानता है, जब मैं पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने गई थी तभी उसने मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी और मुझे डैडी के पास लेकर गया, उसी ने किया है ये सब। नाम क्या उसका? इंस्पेक्टर पराग। इंस्पेक्टर पराग? हेलो पराग। एक मिनट सर, आप यहाँ कैसे? इंस्पेक्टर पराग, इस लड़की को जानते हैं आप? नहीं सर, मैं इसे नहीं जानता हूं। गौर से देखो पराग, ये लड़की तुम्हारे पास आई थी रिपोर्ट लिखवाने अपने डैडी के खिलाफ, और तुमने इसकी रिपोर्ट लिखी नहीं। ये लड़की तो मेरे पास आई नहीं। अंकल नाम तो यही था, पर उस दिन ये वाले इंस्पेक्टर नहीं थे। ये वाले इंस्पेक्टर नहीं थे तो फिर कौन था? वो तो कोई और ही था, यहीं पे बैठे थे और यही नेम प्लेट थी। यहाँ पुलिस स्टेशन में और कोई इंस्पेक्टर है तुम्हारे अलावा? नहीं सर, यहाँ तो और कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ यहाँ पे। बेटा तुम कब आए थे यहाँ पे? September 16 16 September मतलब 3 महीने पुरानी बात है। 16 सितंबर को आप कहाँ थे? 16 सितंबर सर उस दिन मैं ड्यूटी पे ही था। अगर तुम ड्यूटी पे थे तो फिर ये लड़की मिली क्यों नहीं? हाँ सर याद आया, उस दिन 3 बजे मैं एक केस के सिलसिले में बाहर गया था और 6:30 बजे वापस आया था। हाँ अगर उस बीच में ये लड़की आई हो तो मैं कह नहीं सकता। तो फिर यहाँ पुलिस स्टेशन में इंचार्ज कौन था उस वक्त? सर उस वक्त इंस्पेक्टर राजेश था यहाँ पे, उसी को चार्ज देके गया था मैं। इंस्पेक्टर राजेश इंचार्ज था तो उसने रिपोर्ट लिखी क्यों नहीं? श्वेता को लेके उसके डैडी के पास चला गया। अभिजीत ऐसा तो नहीं कि राजेश श्वेता और करण को जानता हो और इनके डैडी को भी जानता हो? बहुत कुछ छुपा है इस राजेश के पेट में, इससे मिलना पड़ेगा। जो करना है कर इसके साथ, बस मुझे मेरा पैसा दे दे। माँ की ज्वेलरी तो तेरे पास ही है ना, लाखों की है,
फिर से पैसे मांग रहा है? इस काम के लिए तो करोड़ों भी कम है। मालूम है ना, सीआईडी पीछे लगी हुई है। मेरे पीछे भी लगी हुई है। तो एक काम कर, इस वक्त यहाँ से निकल ले। मैं पैसों का इंतजाम करके बाद में भिजवा दूंगा। ये गलत बात है, जब पैसे नहीं दे तो काम क्यों करवाया? बोला ना, पैसे दे दूंगा। एक बात याद रखना, पुलिस वाले के साथ ना ही ज्यादा दोस्ती अच्छी है ना ज्यादा दुश्मनी। मैंने अपनी बीवी का खून किया है। क्या वजह थी जो तुम्हें उसका खून करवाना पड़ा? पैसों के लिए मैंने उसके साथ शादी की, नहीं तो जिसके दो बच्चे हो उससे कौन शादी करेगा? मतलब श्वेता और करण की माँ के तुम दूसरे पति थे? हाँ। और जैसे ही पैसे तुम्हारे नाम हो गए, तुमने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया ताकि तंग आके वो भाग जाए। और तुमने क्यों किया ये सब? सर, इसने मुझे पैसे का लालच दिया था, इस वजह से मैंने इसकी बीवी से दोस्ती बढ़ाई। उससे मैंने कहा कि जेवर और पैसे लेकर आ जाओ, बच्चों का मैं भविष्य बना दूंगा। सर, इसकी वजह से। मैं जब सूरज की बीवी जेवर लेके तुम्हारे पास पहुंची तो तुमने उसका खून कर दिया। लाश कहाँ छुपा के रखी है अपनी बीवी की? वो जंगल में दफना दी है। बेचारी बच्चों के प्यार में आ गई सर, और फंस गई इनके झांसे में। तुम्हें तो पैसे मिल चुके थे, तो बच्चों को क्यों मारता था? नफरत करता था मैं इन बच्चों से, नफरत करता था। मुझे तो सिर्फ पैसों से मतलब था ना। बेचारी श्वेता, जब तंग आकर वो घर से भागी तो उसने वो लाश देख ली। हाँ, मुझे लगा वो लाश को पहचान गई है। मुझे डर था वो पुलिस को जाकर अपनी मम्मी के बारे में सब कुछ बता देगी और पुलिस ढूंढते ढूंढते मुझ तक पहुंच जाएगी। इसलिए मैंने करण को किडनैप करवाया ताकि श्वेता का दिमाग उसके भाई में उलझा रहे। तुम जैसे बाप को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, और तुम कानून की रक्षा करने वाला ऐसा घिनौना काम करने लगे तो लोगों का भरोसा किस पे रहेगा? तो मासूम बच्चों से उनकी मां छीन ली तुम लोगों ने, तुम लोगों को तो फांसी होगी, फांसी। लेके जाओ इन्हें। चलो चलो चल 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 चल। करण दीदी, थैंक यू सर, आपने एक बहन को उसके भाई से मिलवा दिया। इसमें थैंक यू की क्या बात है, तुम भी एक बहादुर बच्ची हो, थैंक यू तो हमें बोलना चाहिए।